तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आप सबका स्वागत है गाइस हमारी अगेन एक और न्यू सॉरी ये गाइस हमारी पहली फेस कैम वीडियो गाइस। ओके, तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल्स में सारा जो बताने वाला गाइस, जो हमारी FFIC टूर्नामेंट के रूल्स रेगुलेशन, मतलब गाइस किससे को बुरा लगने वाला है, कोई जो हमारी इंडिया की जो बड़ी बड़ी टीम्स है उनको शायद से बुरा लगेगा कि मैंने बात ऑडियंस के सामने रखी गाइस। ओके, बिकॉज आज तक किसी ने भी जो मतलब फ्री फायर के रूल्स रेगुलेशन जो टूर्नामेंट में होते हैं वो आज तक किसी ने भी मतलब अपने ऑडियंस के साथ शेयर नहीं किए, जो मैं पहला बंदा हूँ जो आपके साथ जो पूरी डिटेल्स के साथ मतलब शेयर करने वाला हूँ क्या क्या टूर्नामेंट्स के रूल्स होते हैं रेगुलेशंस होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर आप चैनल पे नो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आज शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप लोग हर टूर्नामेंट पे देखते होंगे कि टूर्नामेंट की गाइस जो मतलब हर साल जो टीम्स होती है वो टीम्स हर साल ही क्यों होती है गाइस। ओके, अभी आप लोगों में नाम बता दूं जो मतलब हर साल होती है, बहुत सी टीम्स है गाइस। ओके, अब हो गाइस फोर अननोन्स, टोटल गेमिंग, स्टारवर्ड है गाइस, फोर सीआरएक्स। ओके, और टीम लावा जो सुनीता जी के जीजेड आर्मी गाइस, मतलब परमानेंट टीम है गाइस। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर साल एक ही टीम्स क्यों रहे गाइस। ओके, मतलब क्या है इसके पीछे लॉजिक क्या है। ओके, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है गाइस, वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज आप लोग बहुत से लोग गाइस हर साल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते बहुत बड़े बड़े खेलते हैं, और आपको आपको बहुत सी टीमों को इलिमिनेट किया जाता है गाइस। ओके, बहुत सी टीमों को बीच में इलिमिनेट किया जाता है, क्यों किया जाता है अभी आप लोग देखोगे। मतलब फॉल्ट आपका ही होता है गाइस, बिकॉज आप लोग क्या करते हो जब टूर्नामेंट होता है तो आप लोग सीधा प्रैक्टिस शुरू करते हैं गेम प्ले के ऊपर, ना कि रूल्स देखना, रूल्स क्या है टूर्नामेंट के क्या, वो तो आप लोग को लेना देना नहीं है, सीधा गेम प्ले पे ध्यान दो गाइस। ओके, तो रूल्स क्या आप देखो गाइस। ओके, ये टीम्स गाइस रूल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, इनका गेम प्ले तो परफेक्ट ही है, उसमें कोई शक नहीं है, ये ज्यादा रूल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं गाइस। ओके, तो रूल्स कैसे कैसे गाइस देखो आप, ये पहले टीम्स देखो गाइस, ये टीम्स आपको हर साल ही दिखेंगे। ओके, एक दो टीम्स है गाइस जो बदलती रहती है, मतलब जो न्यू आते हैं उनको टूर्नामेंट्स के वो रूल्स को किसी को पता होता है, और बाकी हम लोग तो खेलते रहते हैं, तो आपको पता है, मेरे को पता है गाइस रूल्स क्या है। मैं सर टीम पार्टिसिपेट करने वाला था गाइस, बट कुछ कारणों की वजह से मैं कर नहीं पाया। तो गाइस नेक्स्ट ईयर गाइस मेरे केजी आर्मी की दो टीम्स गाइस मैं FFIC में टूर्नामेंट में खिलाऊंगा, मतलब मेरे टीम के जो 8 बंदे उनको खिलाऊंगा, उनमें एक तो मैं ही लूंगा। तो गाइस 7 बंदे जो गाइस मैं वीडियोस के थ्रू ही लूंगा, मेरे सब्सक्राइबर लोगों को ही लूंगा, मैं ऐसे नहीं कि मेरे गिल्ड मेंबर्स आ गाइस। ओके, तो गाइस गिल्ड की वर्ड डिस्क्रिप्शन के अंदर डाली है गाइस, तो मेरी स्पोर्ट गिल्ड है गाइस, ना कि आपको कस्टम मिलेगा इसके अंदर। ओके, कस्टम का कोई लेना देना नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको टूर्नामेंट खेलना है तो, और वीडियो पूरा टूर्नामेंट के लिए गाइस, अगर आपको गेम के अंदर कुछ अपना करियर बनाना है तो उसी के लिए गाइस, ना कि कोई फालतू चीजें बताने वाला हो, और ये वीडियो आपको और किसी ने नहीं बताया होगा, बिकॉज गाइस रूल तो बताना ही नहीं वाला हो। बिकॉज यूट्यूबर का क्या है गाइस, वो यही चाहते हैं गाइस कि हमारी टीम से इंडिया के और रिप्रेजेंट करे, बिकॉज गाइस अभी तक इंडिया एक बार भी FFIC वर्ल्ड कप नहीं जीता है गाइस। ओके, बहुत बार टीम जाती है बट जीतती नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि अगले साल गाइस इंडिया जीते और जो हमारी ऑडियंस है वो खेले FFIC टूर्नामेंट। ओके, तो ये चाहता हूँ, यूट्यूबर बता दे नहीं, उनको पता है कि हमारी टीम ही जीतेंगे, प्राइस बहुत ज्यादा होता है तो हमको भी मिलेगा, और जो गाइस इंडिया के अंदर जो FFIC टूर्नामेंट होता है उसका होता है गाइस 50 लाख से गाइस, बिकॉज पिछले साल तो था गाइस वो 35 लाख था, और इस साल जो गाइस पूरा 50 लाख प्राइस है गाइस। ओके, और जो वर्ल्ड कप का प्राइस होता है वो गाइस बहुत ज्यादा होता है, वो पता नहीं बदलता रहता है, पता है डॉलर्स में होता है गाइस। ओके, तो आप लोग देखो समझ जाओगे। रूल्स की अगर बात की गई तो आपको ये देखो गाइस रूल्स क्या क्या, आप लोग दिखा दो हमें। ओके, रूल्स एकदम सिंपल से होते गाइस, दिखना आपको कर देगा। ओके, तो गाइस रूल्स की अगर बात करते हो गाइस, जिसमें फर्स्ट रूल जो आता है, इस देन कैन कंप्रिस ऑफ 4 या 5 प्लेयर विद अदर 10 लेवल अकाउंट, मतलब आप लोग 10 लेवल के ऊपर या कोई भी अकाउंट में से आपको 4 या 5 बंदे आप ले सकते हो। ओके, वो फर्स्ट। ओके, देर आर नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाइकर रैंक एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन गाइस, रैंक का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप ग्रैंड मास्टर चाहो, कोई नहीं, बस आपका डायमंड 1 के ऊपर रैंक होना चाहिए, परफेक्ट है। ओके, मतलब काफी है। और जो थर्ड है पैशन, लोड आउट कस्टम, नो स्किल्स वॉल्ट और कलेक्शन, रेट्रिक्शन और रिक्वायरमेंट आर इम्पॉसिबल, प्लेयर आर इंडिपेंडेंट टू कैरी टाइप्स ऑफ एनी आइटम्स एंड स्किल एनी कॉम्बिनेशन इन ईच, बिकॉज इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता गाइस, आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो, कोई ये नहीं है गाइस, अगर ऐसा नहीं कि मेरे पास गन्स की स्किन नहीं है तो मैं टूर्नामेंट खेल नहीं सकता, बिकॉज गाइस जिसके पास गन्स की स्किन होती है, गन्स की स्किन गाइस मतलब डिसेबल की जाती है, मतलब आप जो गेम के अंदर की जो गन्स है वही आप चला सकते हो, ना कि मेरे पास जो गोल्डन MP40 है, मेरे पास डबल रेट ऑफ फायर है, शॉटगन है, वो कुछ नहीं होता है गाइस, स्किल ऑफ की जाती है। ओके, ये एक है गाइस, बॉसों को पता नहीं होता। ओके, कोई भी कपड़े पहनो, आप एडम लेके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जो मतलब अब नेक्स्ट है गाइस फोर्थ है,
अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन अ टीम मे नॉट चेंज हिज टीम नेम ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द टूर्नामेंट्स टर्म मे चेंज देयर नेम एट एनी टाइम्स बिटवीन डिफरेंट टूर्नामेंट गाइस। अगर आप एक बार टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो आपका टीम का नाम आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप मतलब अलग टूर्नामेंट खेलोगे तो आप नाम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद, ना कि टूर्नामेंट चालू और आप नाम चेंज नहीं कर सकते हो। और जो हमारा फिफ्थ है गाइस, ईच पार्टिसिपेंट कैन बी अ मेंबर ऑफ ओनली वन टीम इन अ टूर्नामेंट, पार्टिसिपेंट आर फ्री ऑफ स्विच टीम बिटवीन डिफरेंट टूर्नामेंट, मतलब ईच पार्टिसिपेंट कैन बी मेंबर ऑफ ओनली टीम टूर्नामेंट। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या इसका है? मतलब अपना जो टीम लीडर है उसका। ओके, और नेक्स्ट है टीम विल एक्युमुलेट इन्फॉर्मेशन पॉइंट और दे रिमेंबर ऑफेंस पेनल्टीज फॉर इन्फ्रेक्शन पॉइंट आर वन या थ्री। मतलब आपको क्या कहते हैं, अगर कोई आप रूल्स ब्रेक करते हो, कोई गलती करते हो, तो आपके जो पॉइंट्स वो कट किए जाएंगे उस चार्ट, इसी वजह से आप लोग इलिमिनेट होते हो। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि आप लोग गलतियां करते हो, आपके पॉइंट जो गरीना कट करता है और आपको उधर से इलिमिनेट किया जाता है। आप स्क्रीन पे एक इमेज देखो गाइस, स्क्रीन के ऊपर इमेज देखो, जो आप घर के अंदर ग्लू वॉल लगाते हो गाइस और बंदों को इसे चेयर के नीचे से नीचे गिराते हो गाइस, ये अलाउड नहीं है, ये चलता नहीं। ओके, और जो नेक्स्ट है गाइस, आप लोग क्या करते हो, मतलब टावर के ऊपर अगर स्क्वाड बैठा है तो आप क्या करते हो कि उधर ग्लू वॉल अटकाते हो और बंदों को नीचे गिराते हो, ये भी अलाउड नहीं। आप ग्रेनेड डालो, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्चर डालो, चलता है। ओके, बट आप ग्लू वॉल का सही इस्तेमाल करना सीखो रूल्स के अंदर, आप चीटिंग करके नहीं चलता। ओके, और यही सबसे ज्यादा लोग करते हैं और टूर्नामेंट से बाहर जाते हैं। ओके, यही है गाइस। ओके, और जो अगर नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपको बताने के लिए, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो टूर्नामेंट के पॉइंट जो मिलता है गाइस, आपको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो गाइस पॉइंट क्या क्या है गाइस। ओके, पॉइंट अगर आप फर्स्ट अगर भुया करते हो तो आपको मिलेंगे 300 पॉइंट पर भुया, अगर आप सेकंड आते हो तो 200, अगर आप थर्ड आते हो तो 170, अगर आप फोर्थ आते हो तो 135 पॉइंट्स, अगर आप फिफ्थ आते हो तो 105 पॉइंट्स, मतलब 105 पॉइंट, और अगर आप सिक्स पर आते हो तो 80 पॉइंट्स, आप सेवन पे आते हो तो 60 पॉइंट, अगर आप एट पे आते हो तो 45 पॉइंट्स, आप नाइन्थ पे आते हो तो 30 पॉइंट, अगर आप टेंथ पे आते हो तो 20, और आप इलेवंथ पे आते हो तो 10, और अगर ट्वेल्थ पे आते हो तो आपको एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये लास्ट टीम होती है और जिसको कोई क्रेडिट ही नहीं होती, ये अननोन होती है। मतलब अगर आप आते उतरते और मरते हो तो कोई फायदा नहीं है गाइस। ओके, जो मतलब गाइस भुया का पॉइंट ज्यादा, मतलब अगर आपको अगर पता है गाइस टोटल गेमिंग नंबर वन पे क्यों रहती है गाइस, टोटल गेमिंग की उसका लीडर है गाइस फौजी अजय, जो कि मेरा अच्छा दोस्त है, उसका एक रूल्स है गाइस, जो ना डैमेज पॉइंट ज्यादा इंक्लूड करते गए जो टीम। ओके, उनको भुया ज्यादा लेती नहीं, वो फोकस किस पे करते गए ज्यादा, किल्स और डैमेज, उसका सबसे ज्यादा पॉइंट किसके मिलता है आप ध्यान से सुनोगे, सबसे ज्यादा जो पॉइंट मिलते हैं जो मिलते हैं किल्स डैमेज और जो और होता है सर्वाइव, आप कितने टाइम आपने जो गेम के अंदर रहते हो लॉबी आप गेम के अंदर कितने टाइम रहते हो, बिकॉज अपना 15 या 20 मिनट्स का मैच होता है तो आप कितने टाइम सर्वाइव करते हो उसके बिना पे आपको पॉइंट्स मिलते हो। ओके, ना कि भुया के, वो सिर्फ 300 पॉइंट्स मिलते हो, इंपॉर्टेंट है वो, दिक्कत नहीं, वो भी चाहिए, अगर आप भुया करते हो हर मैच तो होती नहीं। ओके, तो आप ज्यादा, मैं आपको फोकस करूंगा कि आप सर्वाइव करो ज्यादा से ज्यादा, कैंपिंग करो और किल्स को डैमेज दे, डैमेज पर ज्यादा फोकस करो, डैमेज जाना चाहिए आपका, एम चुकना नहीं चाहिए, आप ज्यादा इस पर फोकस करो। आते गए आप सब रूल्स इसके अंदर सीख गए होंगे कि क्या करना है, और आप लोग ज्यादा गए ग्लू वॉल के अंदर ना, आप गेम में चलता है गए अपने फ्रेंडली में चलता है, सॉरी फ्रेंडली में, बट टूर्नामेंट में सब अलाउड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना है, जो कि कुछ रूल्स थे आई थिंक आप सीख गए होंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैंने उनके फोटो दिखा दिए कि क्या क्या पॉइंट्स है क्या क्या नहीं गाइस, अगर आपको और डिटेल्स जानने गए तो आप इस पे गूगल पे सर्च करो गाइस FFIC टूर्नामेंट रूल्स, आपको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट्स थे वो तो मैंने बता दिया गाइस आप, और गाइस जो मैंने बात की थी जो मेरी टीम से मेरे गिल्ड के जाएंगे गाइस, जो मतलब इस साल जो टूर्नामेंट होगी FFIC उस पे मेरी टीम से दो जाएगी गाइस KG आर्मी की, वो एक टीम तो मेरी पर्सनल होगी, अगर आप मेरी टीम में आना चाहते हो 3 प्लेयर्स तो आपको क्या करना है गाइस, नीचे गिल्ड की ID डालिए गाइस, आपको करना कुछ नहीं, बस गिल्ड में पार्टिसिपेट करना है और आपको मेरे साथ, मैं आपको खेलूंगा आपके साथ, मेरे को जो बंदे अच्छे लगेंगे कस्टम में तो मैं उनको मेरी टीम में लूंगा 3 बंदों को, और जो मेरे नेक्स्ट टीम होगी उसमें 4 बंदे जो मैं एक टीम करूंगा, आप 4-5 बंदे आपको एक बंदा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, क्योंकि मतलब अगर एक इंजरी होती है जैसे हमारे CRS के अगर जॉन्टे भाई को इंजरी हुई थी तो उनका एक बंदा आया था गाइस, एक बंदा ओके ऐसे बात होती है गाइस। ओके, तो आई थिंक आप लोग सब समझ गए होंगे, अगर आप मेरी टीम में अगर आप मेरे साथ अगर इस साल अगर FFIC में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो, और मेरे इसमें कस्टम गिल्ड नहीं है गाइस, मैं पहले बोल दे रहा हूँ,
कस्टम के लिए नहीं है। और जो बंदे मेरी टीम में पहले आए थे गिल्ड के अंदर और उन्होंने गिल्ड लीव की है, वो बंदे अभी एंट्री नहीं ले सकते गिल्ड के अंदर, बिकॉज मैं उनको पहले किकआउट कर दूंगा अगर वो आते हैं। बिकॉज मैंने उनको एक बार चांस दिया था, उन्होंने गिल्ड लीव कर दी थी कस्टम के लिए, और मैंने पहले भी बोला था कि कस्टम के लिए मेरी गिल्ड बिल्कुल भी नहीं है, कस्टम मिलेगा नहीं। तो यही थे गाइस, ओके। तो चलो गाइस ऐसा ही था, नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक है, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वह इंस्टाग्राम पे मैं ऐसी टिप्स थोड़ी थोड़ी डालता रहता हूँ, तो जाके फॉलो कर लेना। तो बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हर संडे गाइस ऐसे ही मेरी फेस कैम की वीडियो आएगी या मैं ब्लॉग डालूंगा या ऐसे रूल्स के बारे में, ओके। तो चलो, अगर आपको मेरे मतलब मैं कौन से डिवाइस यूज करता हूँ, मेरा गेमिंग में किस पे गेम खेलता हूँ और मैं क्या करता हूँ, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए गाइस तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नेक्स्ट ब्लॉग कैसा डालूंगा गाइस, ओके, बिकॉज मैं एक सस्पेंस रखूंगा नेक्स्ट बार में, ओके। चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। Like I'm floating through the air. The pain I felt is pain.